हैदर हैदर बोल अली हैदर हैदर बोल اللهم صل على محمد وآل محمد وقل فيما أنت أحن بمحمد وآل محمد صلوات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى سورة أسراء في هذه الآيات جسم فرورتار آلو مشاهد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ایسا پابرکت ایک سفر دیا پاک ہے وہ اللہ जो रातों रात अपने नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ ले गया। अच्छा क्यों ले गया? यानी रसूलुल्लाह के सफर मेराज की तरफ ले इशारा है। ठीक, अच्छा ये सफर क्या था? फरमाया बारकना हौलना हौलहू, हमने इसके पूरे सफर में पूरे अतराफ में बरकत ही बरकतें अदा कर दी। ठीक था, क्यों था? क्यों ले नुरी यहू मिल आया देना, ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। कहा रसूलल्लाह निशानियां देखते रहे। जब जब किताबे मेराज शरीफ दस्तर है, जब रसूल खुदा सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ ले गए, महबूब और अब का कलाम खत्म हो गया। कहा उस कलाम के बाद अल्लाह ने कहा ऐ मेरे महबूब जरा सर उठा के तो देखिए। कहा जैसी सर उठा के देखा ना, कहा अली इब्ने अबी तालिब के चेहरे की झलक नजर आने लगी। रसूल अल्लाह हैरत से देखते हैं, साफे अर्श पे अली, साफे अर्श पे अली। कहा मैं जिस आसमान पे गया मुझे अली के चेहरे का दीदार हुआ, मैं यहाँ तक पहुंच गया मुझे अली की आवाज सुनाई दे दी गई, जब खाना शुरू हुआ मुझे अली का हाथ नजर आ गया, अब जब साफे अर्श की तरफ देखता हूँ अली का चेहरा नजर आ गया। अब आयतुल शरीफ का सवाल कहते हैं, वो जो आयत थी ना, ऐसा नहीं हूं ताकि हम उसको बताएं मिन आयत ना। कहा ये जो नजर आया है ये अल्लाह की आयत इलाही उज्मा था। कहा अल्लाह ने बहुत सारी निशानियां दिखाई, लेकिन जो सबसे बड़ी निशानी थी ना वो अली इब्ने अबी तालिब की जात मुबारक थी। वो जात मुबारक जिसमें अल्लाह ने अजायब और कमालात को जम कर दिया। अच्छा सिर्फ अजायब और कमालात को जम नहीं किया, अल्लाह ने जिसकी जात में 1,24,000 अंबिया को जम कर दिया। अच्छा अजीब है ना, जिसकी जात में अल्लाह ने 1,24,000 हदीस सुनी है ना, अभी मौला को निशा फरमाते हैं हदीस क्या है, मैं हैबत आदम हूँ, मैं फिल्म नूह हूँ, मैं जलाल मूसा, मैं जमाल ईसा। यानी मेरी जात वो जात है जिसमें अल्लाह ने 1,24,000 को इकट्ठा कर दिया। अगर जुमला बदल दूं, जमानों में अल्लाह ने हिदायत को बिखेरा है तो अंबिया बन गए, और रसूल के जमाने में उन 1,24,000 को समेटा है तो अली इब्ने अबी तालिब की जात। तो 1,24,000 की नेमतों को अल्लाह ने जब समेटा तो जात अली बनी है। तब रसूल खुदा ने जब हाथों को बुलंद कर दिया ना, तो फरमाया अतममतु नेमती, ये समेटा हुआ है मेरी 1,24,000 नेमतों का, और इसी पर मैंने नेमत को तमाम कर दिया, ये समेट दिया। तभी कहा इसके मुकाबले अगर कोई, अगर क्यों 1,24,000 का समेटा हुआ है, उनकी हिदायत का मरकज है, उनके जमाल का मरकज है, फरमाया इसके मुकाबले अगर कोई आएगा, अगर रहमतुल आलमीन के सामने ही खड़ा होगा ना सामने, तब भी साहिब अजाब हो जाएगा वो अली जिसमें 1,24,000 की निशानियां हैं। रावी अगर हम और आप कभी कभी जुमला सुनते ना अली अफजल या अंबिया अफजल, ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है। अली का अंबिया से तकाबुल है ही नहीं। अंबिया का तकाबुल किससे है? हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। हदीस क्या है? फरमाया मेरी उम्मत के उलमा
बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। मेरी उम्मत के उलमा, आप देखिए हदीस क्या है, अच्छा कहें मेरी उम्मत के दैश बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। चलिए आज मैंने थोड़ा सा अंदाज बदला है, ठीक है, मेरी उम्मत के डैश बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। कौन? उलमा, मेरी उम्मत के उलमा साहिबान इल्म। कहा ये हदीस जब यहूद और नसारा ने सुनी, जब जनाबे दाऊद के मानने वालों ने सुनी, कहा वो दौड़ते हुए मदीने आए, मदीने आए, कहा हम नबी से मिलना चाहते हैं। यह हदीस हमारे, इस पर बहुत सारे एतराजात हैं कि हमारे अंबिया से उनके उलमा अफजल है। रावी कहता है जब जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे दाऊद के मानने वाले मदीने आ गए, कहा हम रसूलुल्लाह से कुछ बात करते, कहा रसूलुल्लाह की रहमत हो चुकी है, कहा कौन है, कहा उनके जानशीन जो उनकी जगह पर बैठे ना उनसे मिला दो, वो भी साहिब इल्म होगा तो साहिब इल्म की जगह पर बैठा है ना। अच्छा जब मुलाकात हुई, कहा हमने हदीस सुनी है, वो हदीस ये है कि हमारी अंबिया से आपके उलमा अफजल है। कहा बिल्कुल रसूलुल्लाह की ही हदीस है। कहा अच्छा अफजल है तो कुछ एतराजात है। कहा क्या एतराजात है? कहा सबसे पहले जरा वो मूसा का मानने वाला खड़ा हुआ और खड़े होकर कहता है हमारे नबी का मौजज़ा ये था कि वो जब असा खिलाते थे ना तो वो अजदहा बन जाया करता था। अब आप आलिम है तो वो करके दिखाएं, आप अफजल है तो करके दिखाएं। कहा जवाब में तलवार निकली और कहा हमारे नबी का मवाजना कर रहे हो, हमारे नबी के मुहतालिक इस तरह की बातें बयान कर रहे हो, अगर मजीद कहा तो सर काट दिया जाएगा। ठीक है, जहां जवाब ना हो ना दलील था, वहां झगड़े से बात खत्म होती है। जहां झगड़ा हो जाए समझ लीजिए कि दलील का जवाब दूसरे से कर, तुम्हें कोई एतराज है? कहा हाँ मुझे भी एतराज है, मैं ईसा का मानने वाला हूँ। मेरे नबी का कमाल यह था कि वो मुर्दों को ठोकर लगाता था, उनकी ठोकरों में मुर्दों की जिंदगी थी, उनकी ठोकरों में मुर्दों की जिंदगी थी। आप अफजल हैं तो आप जिंदा करके बताइए। कहा तलवार निकाली, कहा इसका जवाब भी यही है। तीसरे से कहा तुम्हारा? कहा मैं सर दाऊद का मानने वाला हूँ। मेरा नबी लोहे को हाथ लगाता था ना, वो लोहा नरम हो जाता था, आप अफजल हैं तो करके दिखाइए। कहा जवाब ये मिला एक दिन के अंदर अंदर मदीना छोड़ दो वरना तीनों के सर को कलंक कर दिया जाएगा। कहा वो मुस्कुराते हुए उठे और ये कहते हुए गए कि माशाल्लाह ये भी झूठे हैं, इनका नबी भी झूठा था, इनका दीन भी झूठा है। कहा ये जुमले जनाबे सलमान मोहम्मदी के कान में गए। सलमान जाके कहते हैं मेरे नबी को गलत ना कहना, मेरे नबी को झूठा ना कहना, तुम जिस मुकाम पे खड़े हो ये मुकाम गलत है। कहा क्या मतलब? कहा आलिम के पास जाओ, जाहिल के पास तुम खड़े हो। कहा आलिम के पास जाओ, जाहिल के पास तुम खड़े हो। रावी के ये तीनों कहते हैं अच्छा तुम्हारे उम्मत के उलमा कौन से हाथ से पकड़ा? दरवाजा अमीरुल मोमिनीन के पास। कहा अभी दरवाजे पे खड़े थे, सलमान मोहम्मदी ने हाथ उठाया, दरवाजा बजाया नहीं था। रावी कहता है अभी दरवाजा बजाया नहीं था कि अंदर से आवाज आई सलमान तीनों को लेके अंदर आ जाओ। कहा अब हैरत की इंतहा ना रही, तीनों कहते हैं इनको कैसे पता चला कि हम तीन हैं और आपके साथ चार हैं? कहा तुमने मेरे मौला को देखा नहीं कहाँ है, तुमने उम्मत मोहम्मदी के औलिया उसिया को देखा ही कहाँ है, जब देखोगे तो जान जाओगे। जैसे ही अंदर पहुंचे, देखा मौला अपने पौधों में कुछ काम कर रहे थे। कहा मेरे मौला अभी पुष्ट है उनकी तरफ। मौला कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे नबी के खिलाफ उनको झूठा कहा, मगर तुम साहिल बन के आए हो, अली तुम्हारे सवालों का जवाब जरूर देगा। तुमने से पहला सवाल किसका है? कहा सबसे पहले हजरत दाऊद का मानने वाला उठा और कहा मेरे नबी का मौजजा है, मेरे नबी का मौजजा है, वो लोहे को हाथ लगाते थे ना नरम हो जाता था, अगर आपके उलमा अफजल है तो जरा लोहे को नरम करके दिखा दें। कहा मौला बेलचे से काम कर रहे थे, मौला ने फौरन बेलचे को लकड़ी से जुदा किया, बेलचे को एक हाथ से पकड़ा और उस दूसरे से कहा जरा मेरे करीब आ जाओ। कहा वो करीब आया, मौला ने कहा इसको दूसरी तरफ से पकड़ो और खींचते चले जाओ। कहा वो जहां तक खींच सकता था लोहे को खींचता रहा। अच्छा मौला ने क्या बताना चाहा, कभी सोचिए। अच्छा मैं सोचती हूँ मौला यूं भी कर सकते थे ना, ये लोग बेलचा नरम होके मैंने खींच दिया, खुद अपने हाथों से कर सकते थे ना। देखिए बेलचा वो दिख रहा था कि लोहा है, मौला खुद उसको फैलाते और
लंबा करते थे, मौला ने क्यों फरमाया तुम आ जाओ और तुम लंबा करो, बताना चाहते थे जो अपने हाथों से नरम करते उसे दाऊद कहते हैं, जिसके हाथ से आम का हाथ भी मस होके मजहर अजाय होके खींचने लगे उसे अली कहते हैं। जितना खींच सकता था ना उसने लोहे को खींच दिया। अच्छा, अब खींचने के बाद जहां दिल आया खड़ा हो गया, मौला मुस्कुराए, फरमाया खींच दिया, कहां खींच दिया, मौला मुस्कुराए, लोहे को हाथ लगा के दोबारा से समेटा, दोबारा बेलचा बन गया, मुस्कुरा के कहा जो लोहे को फैला दे उसे दाऊद कहते हैं, जो फैलाने के बाद दोबारा सिलटा दे उसे अली कहते हैं। यानी तुम्हारे नबी के पास जो कमाल था ना वो फैलाने का कमाल था, जो फैलाने के बाद समेट दे उसे अली कहते हैं। मौला ने दूसरे से कहा तुम्हारा कोई सवाल, हाँ हाँ मैं हजरत मूसा का मानने वाला हूँ और मेरे नबी का मौजा ये था कि वो लकड़ी गिराते थे ना अपना असर गिराते थे तो वो असरा बन जाता था। कहा मौला ने जो बेलचा जुदा किया था ना, एक हाथ में बेलचा था और दूसरे हाथ में उसकी लकड़ी थी, कहा मौला ने जैसे उसने कहा कि वो लकड़ी को अजदहा बना दिया करते थे, मौला ने उस लकड़ी को फेंक दिया, कहा जैसे देखा देखा सांप से अजदहा और अजदहे से बड़ी चीज बन गया। कहा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था ना सवाल करने वाला जनाब मूसा का जाने वाला पीछे हटता चला जा रहा था। रावी कहते मौला मुस्कुरा के कहे मूसा भी घबरा गए थे तुम भी घबरा गए थे, जो अजदहे को देख के भी ना घबराए उसे अली ने बिता दिया। मेरे मौला तीसरे की तरफ पढ़ते कहा तुम्हारा कोई सवाल, कहा हाँ मैं ईसा, कहा यानी ये दो चीजें देख के मुझे यकीन आ गया है, यानी ये दो चीजें देख के मुझे यकीन आ गया है, लेकिन फिर भी चाहता हूँ एक कमाल मजहर और देख लू। इससे एक बात पता चल गई, इससे एक बात आने वाला दिल का अंधा नहीं था। देखिए जो दिल का अंधा हो ना वो लाख कमालात भी देख ले वो अंधा नहीं रहता है, लेकिन क्या करें कुसूर फर्क का नहीं होता। दुश्मना में है बैत लानत, गलत से बुग्ज रखने वालों पे लानत, बीवी का दर्द जलाने वालों पे लानत, खुशबूदी वाला ये कायनात मुश्किल कुशा अमीर मुमकिनात बलंतर सलावत। रावी कहता है मौला आप तीसरे की तरफ पढ़ते तुम्हारा कोई सवाल का यानी यकीन तो आ गया है, लेकिन एक जमाल और जलाल और देखना चाहते। देखिए बता दिया आशिक तो बन चुका हूँ, सिर्फ ऐलान बाकी है, और आशिक का काम क्या होता है महबूब का जलवा जितना नजर आए वो उतना दिल, अच्छा जितनी मनोकामनाएं हो रही है आपका दिल और खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इनकी खुशी, इसके लिए खबी सुनाऊंगी पहले वाक्य को पूरा कर लेंगे। अच्छा वाक्य क्या है, तीसरे ने कहा मौला यकीन तो आ गया है लेकिन महबूब का जमाल और जलाल मजीद देखना चाहता है। अच्छा क्या करें, मोहब्बत बड़ी अजीब होती है, महबूब का जिक्र भी हो तो अच्छा लगता है, महबूब नजर भी आए तो अच्छा लगता है, ऐसा है ना, ऐसा है। रावी कहता है एक दफा मौला ने पलट के देखा, उसने कहा यारी यकीन आ गया है सिर्फ मजीद जलवा और जलाल जमाल देखना चाहो। मौला ने बयान फरमाया ए सलमान इसका दावा है, ये कहता है कि मेरे नबी ठोकरों में मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, सलमान इसे ले चलो मैं पीछे आ रहा हूँ। मौला ने लिबास तब्दील किया, मौला पीछे पीछे चले। अच्छा कहा कौन से कब्रिस्तान जाना है, मौला ने ये नहीं कहा मैं लेके चलूं, ये बताओ तुम कहाँ ले जाना चाहते हो, जो तुम्हारी दलील तुम पर आवाजें कर दे उसे अली कहते हैं। कहा उन साथियों के कब्रिस्तान ले गया,
मौला एक कब्र के पास जाकर रुके, कहा मौला ने उस कब्र को ठोकर मारी, कहा देखो कब्र फटने लगी, एक नौजवान खड़ा हो गया। कहा जैसे ही खड़ा हुआ, अच्छा अली सिर्फ दिखाते नहीं है सुनाते भी है, अली सिर्फ दिखाते नहीं है, कहा नौजवान कब्र से खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन आप पर मेरा सलाम है। मौला वालेकुम सलाम, पीछे बैठे कहते हैं इस नौजवान को पहचाना, इस नौजवान को पहचान होते ही कहते नहीं हमने नहीं पहचाना। कहा कैसे हो, अपने नबी को देखते भी नहीं पहचानते? कहा खुद पूछ लो कौन है। कहा वो आगे बढ़े, ए शख्स तुम कौन हो, जवाब नहीं आया। कहा यारी है तो हमारे जवाब ही नहीं देते। कहा ये पाबंद है अपने अमीर की सुनने के लिए, बता दिया मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। देखिए मौला एक नुक्ता लेना चाह रहे इससे, ये पाबंद है फकत अपने अमीर का जवाब देते हैं। रावी कहता है मौला आगे बढ़ते कहते हैं ये पूछते हैं तुम हो कौन। कहा मैं नबी अल्लाह भूषण नून हूँ। आम फर्क तो क्या, जो नबियों का अमीर बने उसे अली कहते हैं, जो नबियों का अमीर है वो अली इब्ने अबी तालिब की जात है। यहाँ पर बता दिया कि चाहे आदम हो चाहे खातम हो, अली से क्या वास्ता, इनके उलमा बनी इसराइल के अंबिया जैसे हैं। तभी फरमाया अली एक ऐसी इबादत है जो हर दौर में अल्लाह ने रखी है। नारा आपका मैंने कहा था ना, नारा हो रहा है आपका दिल झूम रहा है, जिक्र हो रहा है आपका दिल झूम रहा है। किताब फरमाया मजहर मजहर विलायत आयतुल्लाह नाजिम नाजिम ज्यादा लिखते हैं अजहर नाजिम ज्यादा फरमाते वक्त आखिर में रसूल खुदा है, बिल्कुल आखिर वक्त रसूल खुदा है। रसूल खुदा एक दो साल एक दो दिन में रिलेट करने वाले, शदीद तबीयत खराब है। कहा इस तबीयत खराबी में आम फरमाते हैं उदू इलैया अखी साहिबती सिद्दीकी, बुला दो मेरे लिए, मेरे लिए बुला दो मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मेरे रफीक को, मेरे साथी को। ठीक, अच्छा कहते एक खातून गई अपने वालिद को बुला के ले आई। कहा जैसे वालिद को बुला के ले आई ना, रसूलल्लाह ने मुंह को मोड़ दिया। कहा जब मुंह को मोड़ दिया इसका मतलब है रसूलल्लाह इनको तो नहीं बुला रहे थे। दूसरी खातून गई अपने वालिद को बुला लाई, रसूलल्लाह ने फिर मुंह मोड़ दिया। अच्छा मुझे यकीन है सिर्फ मुंह नहीं मोड़ा होगा, मुंह बनाया भी होगा। रसूल खुदा ने मुंह को मोड़ दिया, जनाबे उम्मे सलमा समझे, कहा अली को बुला लाओ, रसूल का महबूब भी अली है, अखी भी अली है, सिद्दीक भी अली है। हम कहते ना फला सिद्दीक, मौला ने बयान फरमाया मैं हूँ सिद्दीक अकबर। जनाबे उम्मे सलमा ने पहचान लिया सिद्दीक अकबर को, अली इब्ने अबी तालिब को। कहा जैसे ही मौला आए ना, मौला के चेहरे पर एक फरहत, मौला के चेहरे पर एक खुशी। कहा रसूल अल्लाह का चेहरा एकदम से खिल गया। कहा अब लोगों ने नोट किया वो दो भी और ये तमाम अफराद भी। कहा मुसलसल रसूल खुदा मौला अली को देख रहे हैं। कहा एक एक खातून से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आगे बढ़ी और फरमाया या रसूल खुदा अली के सिवा आपको कोई और नजर नहीं आता? मेरा दिल कहता है रसूल खुदा कहते होंगे अली जब आ जाए तो कुछ और नजर ही नहीं आता। हम मोमिन की क्या बात करें कि अली जब नजर आता है तो कुछ और नजर नहीं आता। यहाँ तो मामला खुदा का भी यही है, जब अली नजर आता है तो कुछ और नजर नहीं आता। तभी कहा जब आमद अली होगी तो वो मुकाम दूंगा ना नबी को मिला, ना वसी को मिला, ना इमाम को मिला। अली के लिए ऐसी जगह ढूंढूंगा ना अव्वल और आखिर कोई वहां नहीं आया। आप सोचिए पूरी कायनात में अगर हम किसी शहर को अफजल कहें तो वो मक्का है। अच्छा सिर्फ मक्का अफजल नहीं है, मैं और आप कहते ना उम्मुल कुरा। अगर आप मक्के के नामों की तरफ जाएंगे ना तो मक्के का एक नाम उम्मुल कुरा है, यानी शहरों या गांवों का या इलाकों की माँ। ठीक, यानी जमीन का वो मादर वाला हिस्सा। ठीक, उम्मुल कुरा है, ठीक अफजल शहर। अगर उस शहर में अफजल तरीन मुकाम की तरफ जाए तो हरम है। ठीक, और फिर हरम में अफजल तरीन मुकाम की तरफ जाए तो मस्जिद हराम है, और उस मस्जिद हराम के अफजल पॉइंट पर जाए तो काबा है। अल्लाह ने कहा
अली को बुलाऊंगा ना तो इसके अंदर बुलाऊंगा, और अली इतना स्पेशल है कि दरवाजे से नहीं बुलाऊंगा, दीवार को तोड़ के बुलाऊंगा। अगर दरवाजे से बुला लू तो स्पेशलिटी क्या है? वहां से बुलाऊंगा जहां से कोई नहीं गया होगा। अब लोगों ने देखा रसूलुल्लाह की निगाह हटी नहीं रही है, सिर्फ चेहरे अली पर है। एक खातून आगे बढ़ी और फरमाया या रसूलुल्लाह, आप तो सिर्फ अली को ही देखे जा रहे हैं, क्या अली के सिवा यहाँ कौन नहीं बैठा? ठीक, रसूलुल्लाह फरमाते हैं तीन जुमले, तीन जुमले। फरमाया, क्या तुम्हें नहीं पता अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है? कहा मैं इबादत में मसरूफ हूँ, ये मेरी इबादत है, और इबादत के दरमियान गुफ्तगू नहीं की जाती, ये रसूल की इबादत है। कहा दूसरा जुमला, कहा अली का जिक्र सुनना इबादत है। ये जो आप झूम रहे हैं ना, ये आपके रूह का पता दे रही है, जानते हैं? कहा मोमिन जब इबादत करता है ना, उसकी रूह शाद हो जाती है। अल्लाह ने जिक्र अली में उस शाद होने का जायका चखा दिया है। ये आपका झूमना आपकी रूह की शादगी आपके मोमिन होने का पता दे रही है। रसूल खुदा ने बयान फरमाया, अली का जिक्र तुम्हें नहीं पता, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, तुम्हें नहीं पता अली का जिक्र सुनना इबादत है। अब तीसरा जुमला, क्या तुम्हें नहीं पता अली की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। देखिए कितना बड़ा तोहफा है खुदा का, कितना बड़ा तोहफा है। कयामत तक तो मुझे और आपको क्या तोहफा मिला? आप देखिए, एक जमान था जब मौला मौजूद थे, लोग मौला को देखते थे इबादत कर लिया करते थे, ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा अब हम जैसा क्या करें? हम जैसा क्या करें जिसे जमाने ने 14 साल पीछे गिरा दिया, ऐसा है ना? जमाने ने 14 साल पीछे, अच्छा एक शायर है, मुझे शेर बड़ा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है शेर, ठीक? देखिए जहन में रखिए, एक जमाना था लोग मौला के चेहरे को देखते थे इबादत कर लेते थे, ठीक है? एक जमाना ऐसा है कि जमाने ने पीछे गिरा दिया, मौला के चेहरे के दीदार इबादत नहीं कर सकते, ठीक है? अब शायद का शेर सुनिए, ये और बात थी सुल्बों में कर रहा था सफर, ठीक? ये और बात थी सुल्बों में कर रहा था सफर। मैं कहां पर था? सुल्ब में था। कहा था मैंने भी लग रहे किस तरह से कर, मौला हुसैन जब आपने हलमे नासर यंसुर में कहा था ना, मैं सुल्ब में था, लेकिन मैंने वहां से आवाज दी थी आपको, मैंने कहा था मौला हुसैन मैं हाजिर हूं। कैसे पता चले कि मैंने और आपने आवाज दी थी? मुझे और आपको कैसे पता चले? कहा इसी वजह से तो दर हुसैन पर पहुंचा हूं, मेरा मजने से हुसैन पहुंचना, मेरा दर हुसैन पहुंचना ये गवाही है। मैंने भी हलमे नासरे यंसुरना पर सदाए लबैक कही थी। ये और बात थी सुल्बों में कर रहा था सफर, कहा था मैंने भी लबैक इस्तेमासे कर, भला मैं कैसे ना आता दर हुसैन पर, ठीक? भला मैं कैसे, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, जाएंगे भाई जाएंगे, कर्बला जाएंगे, जाएंगे भाई जाएंगे, कर्बला जाएंगे, नारा हैदरी, यारी 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 मदद हक है, मौला हुसैन सैयद शहदा बलंद तर सलाम। जिसके लिए वो इबादत नहीं है कि चेहरे की तरफ देखना, फरमाया अब अगर वो इबादत साबित हो जाए ना, तो अली का जिक्र करो, उसके जिक्र से वो लज्जत मिलेगी जो देखने से मिलती है, अल्लाह तुम्हारी रूह में वो लज्जत रख देगा। अच्छा अब अगर जमाना तकलीफ का हो
कि ना देखने की इबादत हो ना सुनने की इबादत हो, तकिये की वजह से हम ना सुन सके। कहा अली की इबादत कभी साइलेंट नहीं होती, अली की इबादत कभी अज़ा नहीं होती है, क्या कैसे अज़ा नहीं होती है। कहा अली की मोहब्बत को दिल में रख लो, जो दिल में रख ले उसके लिए भी इबादत है। कहा इस इबादत में ना तकिया है ना मजबूरी है, ये इबादत दिल में रखते चले जाओ और इबादत करते चले। रावी कहता है अली 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 गुफ्तगू होती रही कि रसूल अल्लाह का पसीना मुबारक वजूद मौला अली पर गिरने लगा। अच्छा, पसीना रसूल वजूद अली मौला अली पर गिरने लगा, ये आम चीज नहीं है। ये वो पसीना है जो जन्नत में गिरे तो गुलाब बन जाए, ये वो पसीना है जो जन्नत में गिरे तो गुलाब बन जाए, जो शोर पानी में गिरे तो नीचे में तब्दील हो जाए। मैं सोचती हूँ मौला आपका पसीना जो लबाबे दहन कभी खारे पानी में गिरता था ना तो वो मीठा हो जाता था, कभी सोचती हूँ मीठे पानी में गिरा तो हौज़े कौसर बना गया, नीचे पानी में गिरा तो हौज़े कौसर बना गया। रावी कहता है रसूल का पसीना है हौज़े कौसर। अच्छा मैं नहीं कहूंगी मौला अली पे गिर रहा था, हौज़े कौसर पे गिर रहा था, हौज़े कौसर पर गिरता रहा। रावी कहता है जब काफी देर गुजर गई, बात खत्म हो गई, मौला अली के लिए किसी ने पूछा यारी इतनी देर बात होती रही, यारी ये नजवा इतना तबील हो गया, क्या था इस नजवे में। फरमाया रसूल अल्लाह मुझ पर हजार दरवाजे इल्म के खोल रहे थे, हर दरवाजे के हजार हजार दरवाजे थे। कहा ये इंतहा है, और इंतहा क्या थी, रसूल अल्लाह खुद खिलाते थे, खुद पिलाते थे, खुद सुलाते थे, खुद नहलाते थे। रसूल खुदा हर रात मुझ में इल्म को ऐसे भरते थे जैसे चुड़िया अपने बच्चे को दाने से भर देती है। तभी रावी कहता है जब खैबर से रसूल मौला अली वापस आए, पूरा खुतबा है रसूल को लेकर, कभी टाइम मिले उस खुतबे को जरूर पढ़िए, बड़ा खूबसूरत खुतबा है। लेकिन किताब अली बिन अल-महद इल्लल्लाह सिर्फ दो जुमले शुरू के वो आपके सामने पढ़ रही और उनको भी खत्म कर दूंगी। मुझे लगता है आप लोग जिले हमारे पढ़ के लिए सभी से इंतजार कर रहे हैं। रावी कहता है कि जब वापस आए मौला खैबर से, मौला रसूल खुदा खड़े हुए हैं, फरमाते यारी जुमले। अच्छा, फजाइल अमीर मोमिनीन बे ज़माने रसूल खुदा, फरमाए या अली अगर मुझे डर ना होता ना कि लोग तुम्हारे मुतालिक वो ना कहें जो नसारा ईसा के मुतालिक कहते हैं, तो मैं तुम्हारे वो फजाइल बयान करता कि लोग तुम्हारे पांव की मिट्टी तुम्हारे वजू का पानी शिफा के लिए उठा के ले जाते, बस इतना कह देना काफी है। ये दो जुमले बयान, बस इतना कह देना काफी है यानी तू मुझसे है मैं तुझसे, ये कह देना काफी है, मैं चिराग हूं तू मेरी लौ है। बस
ये कह देना काफी है, मैं इल्म हूँ तुम्हारी हिकमत है या अली, मैं शहर हूँ मेरा दरवाजा तू है या अली, मैं तेरा वारिस और तू मेरा वारिस है या अली। अच्छा ये जुमला बड़ा अजीब है, मैं तेरा वारिस तू मेरा वारिस है या अली, ठीक। अच्छा अगर यसुले खुदा ये फरमाते तू मेरा वारिस है या अली, समझ में आता, मैं तेरा वारिस हूँ या अली, अली कितना है तू मेरा वारिस, समझ में आता है मैं तेरा वारिस। हमारे साथ काम करते थे शबीए पैगंबर अली अदबर ना होते तो ये जुमला समझना आता, शबीए पैगंबर ने समझा दिया मैं तेरा वारिस हूँ या अली, और फरमाया मैं तेरा वारिस क्यों हूँ या अली। आखिरी जुमला या अली, हर नबी की नस्ल अल्लाह ने उसके सुन में रखी है, तू वो है कि मेरी नस्ल को अल्लाह ने तेरी सुन में रख दिया या अली। तभी फरमाया अली नस्ले रसूल, नस्ले रसूल के अमीन है, तभी कहा अली अमीनुल्लाह है, नस्ले रसूल के वारिस। आप सब को मिलाने में अमीरुल मोमिनीन बहुत मुबारक है, सिर्फ मुबारक ना वो लेकर जाए जो पाने वालों में सबसे ज्यादा हो, बहुत बड़ी विलादत है। मैं हमेशा कहती हूँ विलादतों और शहादतों में मांग लीजिए इस खुदा से, आज उसकी विलादत टूट के मोहब्बत करता है। कहते हैं अली को किसी ने नहीं समझा, या रसूल ने समझा या अल्लाह ने समझा, उस अल्लाह से उसके वली की विलादत के मौके पर बड़े से बड़े तोहफा ले जाएंगे। खुदाया नहीं चाहेंगे खाली हाथ, खुदाया हमें देख के ना दे, तेरी करीमियत में उस बड़ी विलादत को देख के हमें तोहफे के तौर पर जरूर इनाम जमाना अदा करना, और उस जरूर में हमें भी अपना हिस्सा छोटा सा डालने की तौफीक इनायत करना तोहफे के तौर पर। आज हमें यहाँ से रोसत, देखिए हम आए हैं मुहे बन के, तोहफे के तौर पर जब हम पढ़ते तो हमें खालिस कलीजान अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब बना के बनता है, खुदा।